हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्नालीज किचन। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्वर्नालीज किचन को और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वर्नाली, आप सबका स्वागत करती हूँ स्वर्नालीज किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही बेसिक सा एक रेसिपी, वो है सादा पूरी एंड सादा आलू की सब्जी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत टेस्टी होता है। ये रेसिपी आप फास्ट में यूज़ कर सकते हैं और वेज, जो प्योर वेज है वो भी यूज़ करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत पड़ेंगे, चलिए फर्स्ट मैं वो दिखा देती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर ली हूँ आलू। आलू मैं एक बड़े साइज के आलू ली हूँ, जिसको मैं अच्छे से छिल के ऐसे चौका चौका में काट ली हूँ, जैसे बेंगोली में डूमू डूमू बोलते हैं, तो इस टाइप का मैंने काट लिया है। एक्चुअली ये इस टाइप से काटने से देखने में अच्छा लगता है, तो इस टाइप से मैं काट ली हूँ। काट के अच्छे से वॉश कर ली हूँ। नेक्स्ट मुझे लगेगा तड़के के लिए 2 तेज़पत्ते छोटे, 1 होल रेड चिली, हाफ से भी 1/3 टीस्पून जीरा, गोटा जीरा, 4 हरी मिर्च और आधा टीस्पून मैं अदरक क्रश किया हुआ ली हूँ कद्दूकस, और यहाँ पर 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता है। नेक्स्ट जो मुझे लगेगा वो है, मैं एक चुटकी हींग यूज़ करूँगी, और मुझे लगेगा स्वाद अनुसार नमक, और मैं ये रेसिपी सरसों तेल से बनाऊँगी। तो चलिए बनाती हूँ। तो सबसे पहले गाइस, मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, गैस भी ऑन कर चुकी हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सरसों की ऑयल। मैं बहुत कम तेल में बनाऊँगी इसको, तो 1 टीस्पून ऑयल ऐड करती हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 टीस्पून जीरा, तेज़पत्ते, सूखा मिर्च को मैंने तोड़ के डाला है, और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा एक चुटकी हींग। जैसे ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। तो थोड़ा चलाना है अच्छे से। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, 1 कप पानी। अब मैं इसको बॉईल होने देती हूँ। ये जब तक बॉयल हो रहा तब तक मैं पूरी के लिए आटा का डो लगा लेती हूँ। तो चलिए आटा का डो लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जब तक आलू का सब्जी बॉयल हो रहा था तब मैं आटा का डो लगा लेती हूँ। तो डो लगाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 2 कप मैदा। 2 कप मैं मैदा का पूरी बनाऊँगी, क्योंकि मैं सादा पूरी बनाऊँगी, इसीलिए मैं 2 कप मैदा ली हूँ। और इसमें मैं अपना टेस्ट अकॉर्डिंग मैं नमक ऐड करूँगी, मतलब 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। पूरी का डो बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 1 बड़े ग्लास के पानी, वो भी हॉट वाटर ली हूँ मैं, गरम कर ली हूँ पानी को। गरम पानी से मैं आटा का डो लगाऊंगी, पूरी का आटा का, इसीलिए गरम पानी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत जन का पूरी खाने से एसिडिटी होता है, गैस होता है। तो गरम पानी से अगर डो लगाएंगे तो उस पूरी जितना भी खाए एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, और पूरी बहुत ही मुलायम एंड सॉफ्ट बनेगा। तो इसीलिए मैं गर्म पानी से इसको डो लगा रही हूँ। तो मैं अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके करना है, और इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स करना है। Thank you.
गाइस कितना अच्छा डो, कड़क वाला डो सान दी हूँ मैं। तो अभी इसको मैं स्टैंडिंग टाइम देती हूँ थोड़ा सा सेट होने के, आटा का सेट होने के लिए मैं इसको 5 मिनट्स तक ढक के रख देती हूँ। तो चलिए सब्जी देखती हूँ। देखिए आलू बॉयल हो गया है, आलू बॉयल हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी ये आलू का ग्रेवी को थोड़ा सा कलछुल से दबा दबा देना है, 25% आलू को दबाना है, मैश करना है ताकि आलू का जो ग्रेवी है थोड़ा थिक हो। ये इस तरीके से दबाना है थोड़ा सा, 25% आलू को दबाना है, सारा आलू नहीं, थोड़ा हल्का हल्का दबाने से क्या होगा आलू का जो ग्रेवी है थोड़ा थिक हो जाएगा और देखने भी बहुत अच्छा लगता है। ये पूरी का सब्जी पूरा रेडी है और ये पूरी के साथ बहुत टेस्टी हो लगता है। तो ये मैं अभी इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करती हूँ। बोल में ट्रांसफ़र करने का पहले मैं इसमें धनिया पत्ता दे देती हूँ। धनिया पत्ता दे के इसको ढक देना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद मैं एक बोल में इसको ट्रांसफ़र करूँगी। तो गाइस देखिए मैं सब्जी को एक बोल में ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, सर्व भी कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है सादा आलू की सब्जी। अभी मैं पूरी तलने की रेडी करती हूँ। अभी मैं इसमें से छोटे छोटे उसका बोल निकाल लेती हूँ, छोटा छोटा डो निकाल लेती हूँ छोटा छोटा। तो देखिए गाइस किस तरीके से मैं डो बनाती हूँ। इस तरीके से ले लेना है और एक ही साइज़ के छोटे छोटे बॉल निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से एक ही साइज से निकलेगा, आप इस तरीके से निकालिएगा। तो अभी मैं बेलती हूँ। जैसे मैंने डो बना लिया है, अभी मैं इसको बेलूँगी। बेलने के लिए थोड़ा सा तेल में इसको प्रेस करना है और हल्के हाथों से बेलना है। और एक ही साइड से बेलना है, दोनों साइड से बेलने से कॉफ़ी पूरी नहीं होता है, पूरी फूलता नहीं अच्छे तरीके से। तो एक ही साइड से बेलना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इस तरीके से बेल रही हूँ। अभी हम इसको छानेंगे। तो कढ़ाई पहले से बैठा चुकी हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया है, ऑयल भी गर्म हो गया। तो चलिए पूरी छानते हैं। तो देखिए गाइस कढ़ाई बैठा चुकी हूँ, ऑयल भी दे दी, ऑयल गर्म हो गया है, अच्छे से बबल्स आ रहा है। तो ऑयल गर्म होने के लिए मैं चेक करूँगी एक छोटा सा बबल्स लेके। तो देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें पूरी डालूंगी। तो पूरी को हमेशा साइड से दीजिएगा, बीच से दीजिएगा तो छिटकेगा। इसको अस्त से धीरे से साइड से दीजिएगा ताकि वो अच्छे से ये कर सके। तो इस तरीके से पूरी को प्रेस कर करके पूरी को फुलाना है। तो देखिए इस तरीके से फुलाना है और पूरी को निकाल लेना है। इस तरीके से सारा पूरी को मैं छान लूँगी। तो ये हो गया है, अभी मैं सर्व करती हूँ पूरी और सब्जी को। तो देखिए गाइस मेरा सादा आलू की पूरी, सादा आलू की सब्जी और पूरी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। मैं सर्व कर चुकी हूँ और ये रेसिपी बहुत टेस्टी होता है और वेज लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, फास्ट में भी ले सकते हैं। तो आप ये रेसिपी को ट्राई कीजिए और कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए एंड अपने फ्रेंड एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बाय बाय।